What's up guys? Good morning. बज रहे हैं और बुड्ढी बोली थी मेरे से कि अजमल 12 बजे घर से निकल जाना और 1 बज रहा है अभी। मैसेज जब मैं नमाज पढ़ के आऊँ तो मैसेज किया अजमल निकल गया, हमको कि अरे गाड़ी ही नहीं मिली कैसे आए। तो बस जा रहे हैं दोस्तों, सॉरी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब जा रहे हैं, गाड़ी लेंगे, उसके बाद हो सकता है डायरेक्ट निकल जाए। मैं कुछ खाया पिया नहीं, बस खजूर खा के पानी पिया। तो जाएंगे मजमा, जाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे गुरु, आने में 2 घंटे। वही अब आएंगे, समझ लो 6 बज जाएगा, मुझे आते होते 6 बज जाएगा। तो चलते हैं, पहले इसके घर देखते हैं गाड़ी ले मिलती है या नहीं मिलती। अभी उसका कोई पता ही नहीं, ठिकाना नहीं, फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो कहाँ से। तो मिलते हैं आपसे, बने रहिए ब्लॉग में। इसके घर पे आके खड़ा हूँ, फ़ोन किया था कि आज मन हमको सुते रहे, कहता हमको भोसड़ी वाले, हम आऊँ सारा आराम से उठे रहते ना, हमारे 10:30 बजे यहाँ खुल गई गाड़ी चलाओ के जात के नींद लागी, क्या कर सकता है कोई। इससे अभी कहेंगे कि तुम ब्लूटूथ धरवा दे, तू ब्लूटूथ धरवा तो तब मजा आई। और अभी निकलेगा इसको गाड़ी लेके, फिर जाएंगे, जाने में भी साला 2 घंटा लग जाएगा यार। अरे कम से कम 1:30 बजे यहीं से निकलेंगे, 3 बजे तो वहाँ पहुँचेंगे, 3 बजे पहुँचेंगे वहाँ, फिर वहाँ से निकलेंगे आई थिंक तुरंत आ जाएगा, और फिर वहाँ से निकलेंगे तो 6:30, 7 बजे तक यहाँ आ जाएंगे अपने घर, 7 बजे तक आ जाएंगे। देखते पूरा रियाद बना यार, कहीं पार्किंग कर ही ना सकते इनके उनके द्वार पर, हद है। मिलते गुरु आप लोगों से जल्दी। आया लोग, मैं तो आ गया उधर से, मजमा गए। मजमा से आया, एक स्टोरी है आपको बतानी है कि मैं गाड़ी कहाँ जहाँ खड़ा करके गया था उसकी। बाप रे, बहुत ज़्यादा चिल्लम चाली भाई यार, बताता हूँ अभी रूम पे पहुँच के। अभी आया उस सामान वामान उतार के, फिर लड़की का फोन, अरे सुबह से कुछ खाया नहीं भाई, आज कुछ भी नहीं खाया मैं। जैसे ही 4 अंडा फ्राई करके, हाफ फ्राई खाने की आदत है, चलो अब खा लें इकट्ठे, खाना खाएंगे रात को, वैसे में भूख नहीं लगी थी। तो तुरंत फ़ोन आ गया, अजमल ये बैग उतार दे। अच्छा ठीक है, फिर फ़ोन आ गया, अजमल ये जा मेरे सदीक के घर पे, वहाँ से वो लेके आ सामान लेके आ। हम गए, चलो ठीक है, गए सामान बिकाना लेके जा रहे हैं। अब बताते हैं, रुको रूम पे पहुँच के बताते हैं। इतना फ़ोन आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मैं किसी का रिसीव नहीं कर रहा था, किसी का भी। अभी मिलते हैं आपसे, मिल के बताते हैं। फाइनली बड़े अच्छे से आ गए, बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ यार गुरु। बात ये थी कि मैं हमेशा ना हिसाब की जब भी गाड़ी लेने जाता हूँ तो अपनी गाड़ी वहीं पे पार्किंग करके और उसकी गाड़ी लेके चलाता हूँ, और ठीक उसके घर के सामने एक घर है खाली है, वहीं पे मैं पार्किंग करता था। तो वहाँ पे आज एक वाइट मजदा खड़ी थी, तो मैं ना उससे मैं बोला कहाँ खड़ा करूँ यार, तो एक बंदा खड़ा गया, अरे वहाँ पीछे खड़ा कर दे। मैं बोला इधर कोई नहीं रहता, ना ना कोई मुश्किल नहीं, मैं हूँ। मैं उसके ठीक पीछे एक बंदे, मतलब शटर होता है ना, शटर उठाओ और रिमोट से उठता, और ठीक उसी के सामने खड़ा करके, और चाबी में बोला चाहिए चाबी, कर रहा नहीं नहीं, मैं चला आया। अब जब वापस आ रहा हूँ, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि साला सुरता बुला दिया, वो पुलिस बुला दिया, कह रहा है कि कौन किसकी गाड़ी है, मुखालफा आएगा, ये फ़ोन करके मेरे पे एकदम गरम, एकदम फूल गरम फूल। तेरे पास दिमाग नहीं है अजमल, तेरा दिमाग खाली है, क्या कर रहा तू, हाँ कैसे गाड़ी हटेगी, वो चिल्ला रहा है। हम कह यार चिल्ला मत, मेरे रूम पे जा, चाबी पड़ी है, चाबी ले और जा आके, लेकिन स्टार्ट नहीं होगी, बस तू दरवाज़ा खोल के आगे धक्का मार सकता है। फिर आया मेरे रूम पे, फिर मैं तुरंत मुन्ना को फ़ोन किया, मुन्ना भाई तू आ जा जल्दी से मेरे रूम पे। कह रहा क्या हुआ यार, मैं बोला अरे यार प्रॉब्लम हो गई, बस तू उसमें दवा रखी है ना, उसमें एक मेरी गाड़ी की एक्स्ट्रा चाबी है, सेम मेरी चाबी की तरह एक और होगी, उसको मत लेना, एक में होगी, एक ऐसी नंगी पुंगी होगी, उसको मत लेना, एक में ना बेट लगा होगा, सेम मेरी चाबी की तरह। तो कह रहा ठीक है। हम क्या वही आके, और मेरे बुड्ढी का भाई आ रहा, जल्दी से आके दे दे। मैं तो इस तरह पे, मैं बोला जल्दी से भाई तू आ जा, कुछ भी कर लेकिन आ। तो वही आया गुरु, बस उसके बाद से वो चाबी लेके गया, फिर मैं फ़ोन कर रहा हूँ उठा ही नहीं रहा, एकदम गुस्से में चूर। तो फिर मैं बुड्ढी को बोला कि उसको फ़ोन करके बोलते गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, उससे बस खुल जाएगी। तो फिर मेरे पे फ़ोन किया तुरंत, बोला रहने दे आ गया। तो उसको बताया, कर रहा ठीक है। फिर आया मैं,
जब मैं आया तो गाड़ी अंदर किया तो फोन करके मैं उसको बोल रहा हूँ यार सॉरी यार गलती हो गई। यार तू पागल है तू, हाँ तेरे ऊपर का माला खाली है, अगर जो तेरे घर के सामने कोई खड़ा करके जाता बता तू क्या करता, तू नहीं जलान होता हम के, जाहिर सी बात है गुस्सा तो करता ही। करे बस तो हमका कोई मुश्किल तो नहीं हुई, करे नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं, बस तू गाड़ी का अंदर कर दे मेरी और चाबी उसी में छोड़ दे और तू अपनी गाड़ी लेके चला जा। मैं बोला ठीक। तो बस यही था गुरु। अब असलम आएगा आज खाना खाने के लिए, कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है मैं खाना नहीं बनाऊंगा क्या है क्या। ठीक है जो है आ जाना, दाल चावल है अंडा फ्राई कर लेंगे तू आ जा खा लेंगे। तो गुरु बस यही है, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, कुछ खा पी ले मैं भी भूखा हूँ, आज पूरा दिन खाना ही नहीं खाया गुरु, सुबह का खाया हूँ और रात का ही खाया हूँ मैं, 4 अंडा अभी हम फ्राई करके खाया हूँ, अभी भूख नहीं गई है। मिलते हैं वापस फिर हिसाम के घर पे, वो मिला बहुत समझाया, कह रहा अगर जो अजमल देख तू मेरा छोटा भाई है तो मैं तुझे भाई की तरह ही मानता हूँ, उनके ये बात तो सही है तू मानता है भाई, कर अब दोबारा अगर जैसी कोई गलती कर देगा अजमल मैं तेरे को पीट पाट दूंगा। हम कहा हाँ ठीक है तू पीट लेगा भैया, तू क्या भाई ने पीटेगा, तू भाई ने पीट ले, हमारी गलती है तू मार भी तो मार ले, बहुत ना लेकिन दोबारा ऐसी गलती कभी मत करे अजमल, हम कहेंगे इंशाल्लाह अब ऐसी गलती ना हो यार, हम एकदम गेट ऑफ खड़ा कर दिए रहने यार। ये तो बैग भुला गई रही है बुढ़िया, कोई गौरन ले आवे, और यार हम तो उतारे टाइम में देखें कुछ ना रहा यार, कहाँ सलाह यूरा वगैरह। अब जाए थे बकाला गुरु, बकाला से सब लेंगे यार, पैसा ना यार कार्डो ना कैसे हिसाब हुई। गए थे हम गाड़ी सामान खाना खा रहे थे, फिर असलमों का इंतजार करते रहे यार, अब ना किया बंदा कहता कि खाना खाए अब कहीं अब ना आवा, फिर हम चले गए खाना खा के हिसाम के घर, वहाँ सामान लिए फिर बकाला गए आए ना रूम पे गुरु। अब बस कल मदरसा अब सोना है और कुछ नहीं, तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए ब्लॉग के साथ। आई नो आज का भी ब्लॉग हुचकी आवत, आज का भी ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बना है, कोई बात नहीं कल मिलते हैं। माँ सलामत, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो दोस्तों, थक गया हूँ एकदम।